जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का मंत्र विधान हर एक गृहस्थ कर सकते हैं, जो तांत्रिक विधान से पूजा करते हैं वो भी, और जो तांत्रिक विधान से पूजा नहीं करते हैं वो भी। जो तांत्रिक विधान से पूजा करते हैं उनके लिए विशेष बस इतना है कि आप नदी के तीर पर जाके साधना को कर सकते हैं, और जो तांत्रिक विधान से नहीं करते हैं वो अपने घर के पूजा क्षेत्र में इस विधान को कर सकते हैं। हनुमान जी के विषय में पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है, हनुमान जी की जो उत्पत्ति हुई थी वो लोगों को श्राप से मुक्ति देने के लिए हुई थी। आप अगर कथा पढ़ेंगे हनुमान जी की, तो हनुमान जी के जीवन में दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, एक तो श्री राम और दूसरी माता अंजनी। तो पहला जो वो श्राप मुक्त करने आए थे वो माता अंजनी को करने आए थे। माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्र की सभा में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। उन्होंने एक मुनि का अपमान किया था और मुनि ने उन्हें बोला था कि आप वानर रूपनी हो जाओगी, आपको जो अपने सुंदरता पे घमंड है। फिर उन्होंने जब प्रार्थना किया तो उसी श्राप को कम करते हुए उनको बोला गया कि आप मनुष्य और वानरी में, दोनों में आप भेद कर पाओगे, कभी भी वानरी कभी भी मनुष्य बन जाओगे। उसके बाद फिर अंजनी उनका नाम हुआ, वानर राज को के यहाँ उनका जन्म हुआ, और फिर उनसे हनुमान की उत्पत्ति हुई और वो श्राप मुक्त हुई। उसी तरीके से नारद जी ने जब अपना ब्रह्मचर्य त्यागने का सोचा तो वो एक स्वयंवर में गए, और स्वयंवर में जाने से पहले नारायण को उन्होंने बोला कि हे नारायण, मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ तो आप मुझे सुंदर बना दें। नारायण ने उन्हें सुंदर के बदले बंदर बना दिया। जब वो वहां पर गए तो उनको काफी अट्ठास उनको देख के लोगों ने बनाया, काफी व्यंग हुआ, वो बड़े दुखी हुए। जब लौट के उन्होंने जल में अपना मुख देखा तो वो वानर जैसे थे। तो वो नारायण के पास लौट करके और फिर उनको उन्होंने श्राप दिया कि आप का जो अगला जीवन होगा उसमें जब तक आप वानर को साथी नहीं बनाओगे तब तक आपका जो मकसद होगा वो पूरा नहीं होगा। तो फिर राम जी के इस श्राप को की पूर्ति के लिए भी रुद्र अवतार में हनुमान जी हुए। तो उसी तरीके से जीवन में कई बार श्राप लगता है और उससे धन और वैभव की जीवन में कमी हो जाती है। उसके लिए ये एक साधना है। जो हनुमान जी की साधना है ये कभी भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 को करनी चाहिए, और जब करते हैं तो उस दिन व्रत करना चाहिए। तो ये शुरुआत जो है हमेशा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को होगी या फिर किसी चंद्र या सूर्य ग्रहण के दिन होगी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस पूजा की शुरुआत करेंगे तो वो अति उत्तम होगा। ठीक है, नित्य क्रिया से आप जब पूरा कर लेते हैं, जो पूरा साधना काल रहेगा उसमें आप शुद्ध सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक है, पूर्व रात्रि से, जिस दिन से आप साधना शुरू करेंगे उसके एक रात पहले से ही संयम पूर्वक आचरण आपको करना चाहिए। जो घर में साधक पूजा करेंगे या जो नदी के तीर पे करेंगे, वो चाहे तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर और लाल वस्त्र पहनकर ही साधना करेंगे। सामने छोटी एक लाल चौकी रखें, उस पर एक लाल वस्त्र बिछाएं, एक तांबे का उस पर बर्तन रखें, उस पर हनुमान जी के नाम से एक दीपक जलाएं, फल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और धूप चढ़ाएं। जो भी पूजा होगा उस तांबे के प्लेट के अंदर ही होगा। हनुमान जी की जो साधना हुई है वो तो कई तांत्रिक ग्रंथों में उसका वर्णन है, लेकिन जो मुख्य ग्रंथ है उसमें शौनक ऋषि सूत जी के पास जाकर के उन्होंने पूछा है कि किस तरीके से इनकी साधना करनी चाहिए।
तो उन्होंने बताया था कि जब भी आप हनुमान जी की साधना करते हैं, तो हनुमान जी की जो सबसे पहली साधना हुई थी वो पंपा नदी के तीर पे हुई थी। अब आप पंपा नदी तो खोजने जाएंगे नहीं, इसीलिए किसी भी नदी के तीर पर अगर आपको तांत्रिक विधि से करनी है तो वहां जा करके पहले पंपा नदी का आवाहन करते हैं। तो पंपा नदी का आवाहन का क्या मंत्र है? हेमकूट गिरि प्रांत जाना नाम गिरि सामुगाम पंपाव हतमस्यायाम नद्याम हृदयाम प्रत्यंतः। इस मंत्र से आप जो है पंपा नदी का, किसी भी नदी के तीर पे हैं, किसी भी जल तीर पर आप हैं, वहां पर आप इस नदी का आवाहन कर लेंगे। अगर घर में कर रहे हैं तो एक तांबे के बर्तन में जल रख करके इस नदी का आवाहन करेंगे और उसके बाद आसन शुद्धि करेंगे। हाथ में जल लेके आसन के चारों तरफ छिड़केंगे, उसके बाद ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्र भूमि रक्षत स्वाहा ऐसा बोल करके जल को छिड़क देंगे और हनुमान स्वामी को एक पुष्प रख के उनको आसन देंगे, आसन समर्पयामि। उसी आसन पर हम आचमनी के लिए जल देंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, वस्त्र देंगे, यज्ञोपवीत देंगे, गंध देंगे मतलब धूप, थोड़ा अक्षत देंगे, थोड़ा कुमकुम देंगे, एक पुष्प और चढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद ध्यान आप ओम हन हनुमंतय नमः मंत्र से कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले धूप दिखाएंगे, फिर दीप दिखाएंगे, फिर नवेद समर्पण करेंगे और अंत में नमस्कार करेंगे, ठीक है। इतना करने से जो शुरुआत की पूजा है वो पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण में जो मंत्र विधान है वो करना होगा। ग्रहण काल में या जो समय आपको बताया उसमें लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं इस विशेष साधना के लिए, और मूंगे की माला पर इसका जाप होगा 21 दिन तक, ठीक है। 1000 जाप आपको रोज करना है और जाप करने के बाद इसमें भोग बहुत विशेष है। जितना आपने फल और मिठाई चढ़ाया उसके अलावा आपको गुड़ और चावल के जो दाने हैं, ठीक है, उसको हनुमान जी को भोग में देने हैं। और एक बार जब आप जाप करके उठ जाएंगे तो इस चावल और गुड़ को किसी पशु को खिला दीजिए, ठीक। मंत्र सुनिए, मंत्र क्या है? ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय भक्त जन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभजनम प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धन्यादि विविध संपद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। इसके अलावा इस मंत्र के शुरुआत में राम रमाय नमः, ठीक है, और अंत में राम रमाय नमः बोल करके संपुट करते हैं, उससे हनुमान जी और भी प्रसन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें हम साधना का शुरुआती विधान यंत्र मंत्र तंत्र कैसे बनता है वो आपको सिखाते हैं। मेरे आगे के कार्यक्रम और लेख पढ़ने के लिए www.aghortantrasa.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, उससे रुद्रनाथ @cm4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं मेरे नंबर पर। आज के लिए इतना ही। महावीर हनुमान आप सभी की रक्षा करें, ऐसे मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश, आदेश।